बढ़ते पेट्रोल और डीजल की कीमतों के विरोध में सोमवार को संपूर्ण महाराष्ट्र में कांग्रेस की ओर से आंदोलन किए गए। इसी के चलते महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने खुद महाराष्ट्र के गढ़चिरोली इलाके में जाकर पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमतों के विरोध में आंदोलन किया। इस वक्त उन्होंने केंद्र सरकार का जमकर विरोध किया, साथ ही चेतावनी दी कि अगर कीमतें कम नहीं हुई तो कांग्रेस की ओर से तीव्र आंदोलन किया जाएगा। सरकार ने जिस तरह से पेट्रोल डीजल और गैस के दरवाड़ की है उसके विरोध में कांग्रेस ने पूरे महाराष्ट्र में ये आंदोलन की शुरुआत की है। मैं खुद महाराष्ट्र के गढ़चिरोली जिले में आदिवासी जिले में ये आंदोलन कर रहा हूं और मोदी सरकार को इस आदिवासी जिले से मैं इशारा करता हूं कि जिस तरह से जो जाचक टैक्स आपने लोगों के ऊपर लाया है डीजल गैस और पेट्रोल के माध्यम से लोगों की जेबें काटने का काम डाका डालने का काम जो आप मोदी सरकार कर रहे हो भाजपा की सरकार कर रही है उसके विरोध में कांग्रेस का यह आंदोलन है। अगर इसमें दर कम नहीं किए गए तो कांग्रेस इस आंदोलन को और बढ़ाएगा और उसका पूरे परिणाम मोदी सरकार को भाजपा सरकार को भुगतने पड़ेंगे। यह आह्वान हम उनको करते हैं।